नमस्कार, आप सबको बताएं कि कोरोना का कहर अब आईपीएल में भी नजर आने लगा है। आईपीएल में जहां चेन्नई सुपर किंग्स के 3 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं इसका असर कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेयर्स पर भी पड़ा है। 2 प्लेयर्स उसके भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, दोनों गेंदबाज हैं। लेकिन अब इसका असर क्या होने वाला है? इस बीच एक बुरी खबर यह भी आई है कि दिल्ली में जो फिरोज शाह कोटला, जिसका नाम बदल दिया गया था, हाल के कुछ महीने पहले ही बदला गया था, उसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया था, उसके 5 ग्राउंड स्टाफ वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आप सोचिए, उनके कोरोना पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि इसका असर अब प्लेयर्स पर पड़ेगा, क्योंकि वो ग्राउंड में जाते हैं, वो जो ग्राउंड का मैनेजमेंट है, जो ग्राउंड का रखरखाव करने की जिम्मेदारी है, वो उनके पास है। ऐसे में अब इन प्लेयर्स पर भी, जो भी फिरोज शाह कोटला में या अरुण जेटली स्टेडियम में जो भी मैच होंगे, वहाँ जो प्लेयर्स जाएंगे खेलने के लिए, उन पर कोरोना का खतरा बढ़ जाएगा। अभी बहुत सारे मैचेस होने हैं दिल्ली में, ऐसे में अब इंतज़ाम क्या होगा, या क्या इस मैच को या जो तमाम मैच होने हैं उन्हें किसी दूसरे स्टेडियम में शिफ्ट करने की तैयारी है बीसीसीआई की? अभी इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ऐसे में बायो बबल टूट सकता है। जो अभी तक जो प्लेयर्स, क्योंकि अभी तक आपने देखा कि 7 प्लेयर्स तो पहले कोरोना पॉजिटिव हुए, फिर अभी खबर ये आई कि अब टीम मैनेजमेंट, उसके स्टाफ और कुछ प्लेयर्स फिर से कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। आप यहाँ तक कि आपने देखा केएल राहुल को भी कुछ शिकायतें आई थी पेट दर्द की। उसके बाद अब सवाल यही उठने लगा है कि प्लेयर्स पर कोई खतरा ना मंडरा है, इसके लिए क्या तैयारी है? और हो सकता है कि आने वाले दिनों में अरुण जेटली स्टेडियम में कोई मैच ना हो, बल्कि वहाँ के मैचेस को किसी और स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया जाए।